रिश्तों का खूबसूरत जश्न। कार्तिक नायरा की रोमांटिक एनिवर्सरी। 10 साल बेमिसाल, पार्टी भी और ट्विस्ट भी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज कार्तिक और नायरा मना रहे हैं अपनी 10th एनिवर्सरी। और डबल धमाल ये है कि आज ही है प्यार करने वालों का त्योहार वैलेंटाइन डे। तो भाई इन दीवाने परवानों को इन दोहरी खुशियों का जश्न भी तो मनाना है, और फिर यही तो आशिकी का बहाना है। देखिए कैसे एक दूसरे की कंपनी पाकर कार्तिक और नायरा हो रहे हैं रोमांटिक। लेकिन कार्तिक नायरा को मिलकर 11 साल हो गए हैं, सो या इट माइट बी द 10th एनिवर्सरी। भाई कार्तिक के मम्मी पापा ने ये पार्टी कार्तिक और नायरा के लिए अरेंज की है ताकि त्रिशा की परेशानी में उलझे कार्तिक और नायरा को उनकी एनिवर्सरी के दिन कुछ स्पेशल फील कराया जाए। भाई वाह, घर वाले हो तो ऐसे हो। ये तो हो गई कार्तिक और नायरा के जश्न की बात, लेकिन उससे पहले त्रिशा के एक्सीडेंट के चलते पहुंच गई हैं हॉस्पिटल और अब हैं कोमा में। ये बात जैसे ही कार्तिक और नायरा को पता चलती है दोनों भागते दौड़ते हॉस्पिटल त्रिशा के पास पहुंचते हैं, जहां त्रिशा की ऐसी हालत देखकर नायरा और कार्तिक दोनों ही हो रहे हैं इमोशनल। वॉशरूम में पल बढ़ के और एंड सीइंग हर इन दिस हालत एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड ओवर द टाइम और सारी चीजों से वो बहुत उदास है। वो लोग अप्रिसिएशन जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वही उनकी लाइफ हो रही है फिलहाल टू ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि अब तक त्रिशा की इस हालत का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है, और जिस ट्रक से त्रिशा का एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक ड्राइवर भी अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा है, अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। तो वहीं त्रिशा का फोन भी अब तक नहीं बरामद हुआ है, जिसे डर के मारे लव और कुश ने जमीन के अंदर दफना दिया है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब पुलिस ने त्रिशा के खून से सने कपड़े और उसके शरीर में जख्म होने की बात नायरा और कार्तिक को बताई, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। कार्तिक और नायरा किसी भी तरह त्रिशा को इस हालत में पहुंचाने वाले की गिरेबान तक अपने हाथ पहुंचाना चाहते हैं। तो भाई अब देखना ये होगा कि कैसे कार्तिक और नायरा त्रिशा के असली गुनहगारों तक पहुंचते हैं, और सच जानने के बाद कैसे आता है अनमोल रिश्तों में ट्विस्ट का खतरा, वो भी जल्द ही साफ हो जाएगा। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक।